संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को कड़ी चेकिंग के बीच परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। दो पालियों में आयोजित होने वाली इस पहली पाली की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से हुई। इसके लिए परीक्षार्थियों को 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई। कोरोना को देखते हुए परीक्षार्थियों और पर्यवेक्षकों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया। जबलपुर में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा रविवार को आयोजित हुई। दो पालियों में आयोजित इस परीक्षा की पहली पारी की शुरुआत सुबह 9:30 बजे हुई। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को कड़ी चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र के साथ फोटो युक्त आईडी दिखाने के बाद ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर पाए। संक्रमण के चलते परीक्षार्थियों और पर्यवेक्षकों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया, लेकिन एंट्री के दौरान मास्क हटाकर परीक्षार्थियों की पहचान सुनिश्चित की गई। इसके लिए सेंटरों में सुरक्षा के कई इंतजाम भी किए गए। यूपीएससी की परीक्षा है या ह्यूमन इस्लामिया केंद्र बना हुआ है, अभी कैंडिडेट को 9:45 बजे प्रवेश दे दिया गया है। परीक्षा शुरू होने के लिए अभी 10 मिनट और बचा है। 9:20 पे किसी भी कैंडिडेट को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बस 9:10 से 9:20 तक ही अलाउड है। इसके बाद कोई कैंडिडेट को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा में हम लोगों की ड्यूटी लगी, आने जाने वालों को हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, तापमान चेक कर रहे हैं और उसके बाद बकायदा पूरी चेकिंग के बाद स्कूल में एंट्री कर रहे हैं। सेंटरों में परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ जैसे उपकरण प्रतिबंधित किए गए। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की गई।